डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड पर। स्टार्ट। कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों के कारण महाराष्ट्र के पुणे में सोमवार से 10 दिन का लॉकडाउन शुरू हो रहा है। बेंगलुरु में 14 जुलाई से एक हफ्ते का लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया है, तो यूपी में हफ्ते में 2 दिन यानी शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा। देश में रविवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 8.5 लाख तक पहुंच चुकी है। मरीजों की संख्या के मामले में अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। हालांकि भारत में 5.3 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, फिर भी रोज सामने आ रहे मरीजों के कारण संकट जस का तस है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, दिल्ली, कर्नाटक और गुजरात में हालात ज़्यादा चिंताजनक है। 1 जुलाई से शुरू हुए अनलॉक 2.0 के दौरान अगर सरकार ने स्कूल, कॉलेजों, मॉल, सिनेमाघरों, मेट्रो और जिम पर से पाबंदी नहीं हटाई तो इसका सीधा मतलब था कि वह लोगों को भीड़ से दूर रखना चाहती है। कई शहरों के बाज़ारों व सड़कों पर उमड़ रही भीड़ को देखकर लगता है कि जनता खुद लापरवाही बरत रही है, इसलिए विभिन्न शहरों में छोटे छोटे लॉकडाउन लागू कर लापरवाही को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। विशेषज्ञों कह चुके हैं कि कम मियाद के लॉकडाउन से अपेक्षित परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन सरकार अब लंबे लॉकडाउन के
पक्ष में नहीं है क्योंकि 68 दिन का लॉकडाउन पहले ही देश की आर्थिक सेहत काफ़ी बिगाड़ चुका है। विकास के पहियों ने जो थोड़ी बहुत रफ्तार पकड़ी है उन्हें फिर बंद कर अर्थव्यवस्था का और अहित नहीं किया जा सकता। बगैर किसी कारगर दवा के देश भर के अस्पतालों में कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है।